क्यों पवन सिंह चिढ़ गए हैं ज्योति सिंह से। जी हाँ, ज्योति सिंह जो इन दिनों अपने मायके बलिया में ही हैं और पवन सिंह आरा में। अब आप ये समझ चुके होंगे कि लॉकडाउन में भले ही कहीं इधर से उधर नहीं जाना था, लेकिन अब तो लोग आवाजाही बरकरार रख चुके हैं, लेकिन फिर भी आरा नहीं आ रही ज्योति सिंह। क्यों, इसके पीछे कई रीज़न है, उसके लिए हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज जो एक खबर सामने आई है वो ये कि ज्योति सिंह ने कुछ दिनों पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने उसमें से वो सारी फ़ोटो हटा दी जिस पर हमने कुछ दिनों पहले स्टोरी बनाई थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था, बकायदा अपने पोस्ट में ये कहा था कि लेट शादी कीजिए, अच्छा है लेट शादी करना, लेकिन किसी गलत आदमी से शादी मत कीजिए। फिर अब इनडायरेक्टली उन्होंने सीधे सीधे ताना पवन सिंह पर मारा। जैसे ही ये सारे न्यूज़ पवन सिंह के पास गई, पवन सिंह ने उनका अकाउंट प्राइवेट करवा दिया और अब फिर उसको ज्योति सिंह ने पब्लिकली किया है। लेकिन ये क्या, अब इस अकाउंट में ढेर सारे चेंजेस हो गए। पहले पवन सिंह के अलावा ज्योति सिंह और भी कई लोगों को फॉलो करती थी, लेकिन अब सिंगल सिर्फ पवन सिंह को फॉलो करती हैं। और उसके साथ साथ ज्योति सिंह ने जितने भी पोस्ट किए थे जहां पर उन्होंने इनडायरेक्टली पवन सिंह पर निशाना साधा था, वो सारे पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिए। आज उन्होंने सोमवार के दिन सिर्फ एक सिंगल पोस्ट रखा है, वो भी अपनी बहन के साथ। लेकिन अचानक से ज्योति सिंह ने ऐसा क्यों किया? इसके पहले भी ज्योति सिंह को लेकर मीडिया में आए दिन ये खबरें आ रही थी कि ज्योति और पवन के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये दोनों एक होकर भी एक नहीं लगते। आखिर क्या वजह है कि ज्योति सिंह लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी सिंगल फ़ोटो, अपने भाई बहनों के साथ फ़ोटो, अपने मम्मी पापा के साथ फ़ोटो, लेकिन वो कभी पवन सिंह के साथ और उनके परिवार वालों के साथ फ़ोटो पोस्ट करती नज़र नहीं आई। ऐसे जहां सभी लोग बोलबम के पवन के सभी गानों के दीवाने हुए जा रहे हैं, वहीं ज्योति सिंह ने कभी सिंगल पोस्ट नहीं किया पवन सिंह के लिए। ऐसे कई ऐसे रीजन हैं जहां पवन सिंह और ज्योति सिंह के मतभेद और मनभेद दोनों नजर आते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।